हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस पूरे वीडियो में हम बकरी पालन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो आप में से 95% प्लस फार्मर्स नहीं जानते हैं, और इसे ना जानने के कारण से 50% प्लस फार्मर्स अपने फार्म को बंद कर देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज से पहले जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली आज से 5-7 साल पहले जब मैंने बकरी पालन स्टार्ट किया था, तो हर फार्मर की तरह मैं भी चना चुन्नी, भूसी, सरसों का खल, नेपियर, भूसा और घास का इस्तेमाल करता था अपने बकरी पालन में। और इसमें दिक्कत ये था कि जब हम फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो एक बार ज़रूर लोएस्ट प्राइस होममेड फीड ट्राई ज़रूर करते हैं। तो चना चुन्नी, भूसी और भी कई तरह के चीज़ों को मिलाकर जो फीड कॉस्ट पड़ती थी या फिर आज जो पड़ती है, वो लगभग 25 से 30 रुपए प्रति केजी है। यहाँ तक कि आप मान सकते हैं कि सिर्फ भूसी हमारे यहाँ पे 28 रुपए प्रति केजी है। और आप में से बहुत लोग जानते हैं कि भूसी में वैसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है बोलकर गाय और बकरियाँ इसे खाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि बकरी पालन में जब आप फोकस करते हो, तो आप जब होममेड फीड या सस्ता फीड या नेपियर, घास की खेती, ये सब में चले जाते हो ध्यान आपका, तब होता ये है कि आपका 50% फोकस उस तरफ चला जाता है और 50% फोकस बकरी पालन में रह जाता है, जिसके कारण आपको आपकी बकरी पालन में काफ़ी नुकसान या फिर घाटे के सामना करना पड़ता है। बट वहीं पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है एपिक फीड, और यहाँ पे 22 कॉम्पोनेंट जैसे कि भूसी, चोकर, बेसन, सरसों खल, बादाम खल, तीसी का खल, सोयाबीन खल, नमक, गुड़, हल्दी, मिनरल मिक्सचर और भी कई सारे कंपोनेंट को मिलाकर, टोटल 22 कंपोनेंट है, इसे मिला करके एक बैलेंस फीड बनाया जाता है और इसकी कीमत लगभग 26 रुपए प्रति केजी है। तो जैसे कि हम लोग घर में होममेड फीड बनाते हैं तो 25 से 30 रुपए प्रति केजी पड़ता है और मेहनत अलग से पड़ती है, वहीं पे आप समझ सकते हो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है एपिक फीड, तो इसकी फीड की क्वालिटी कैसी हो सकती है। कीमत भी सस्ती है, 26 रुपए प्रति केजी। काफ़ी समय मैंने भी चना चुन्नी चोकड़ का इस्तेमाल किया है, बट जब मैंने इस फीड का इस्तेमाल किया तो मुझे इससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिला, तो मुझे लगा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। हमारे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर डिस्टेंस में एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, वो है अभी फार्म। तो आप ये जो फिलहाल आपको डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा है, ये उन्हीं का नंबर है। और यहाँ पे हर तरह की फार्मिंग से रिलेटेड बैलेंस फीड तो मिलती ही है, ये लगभग हर तरह की फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, और साथ में ही आप अपने फार्म प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं और इन्हीं से खरीद भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बट मेन टॉपिक ये था बकरी के लिए बैलेंस फीड। तो आपको लगभग 26 रुपए प्रति केजी के दर से यहाँ पे बैलेंस फीड मिलता है, और इसी के साथ आप गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल या फिर टर्की, हर तरह के लिए बैलेंस फीड ले सकते हैं, और इसकी क्वालिटी और कीमत हमारे बजट में है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार ज़रूर इस फीड को ट्राई करके देखें, बाकी आगे आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हो, आपको जो सही लगता है कीजिए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी समय से चोकड़, चुन्नी, नेपियर, घास ये वो ट्राई किया, बट जब मैंने इस फीड का इस्तेमाल किया अपने फार्म में तो मुझे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिले, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे इस बात को शेयर करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।